तो भैया लाइफ में कभी कभी अनएक्सपेक्टेड प्लान्स भी बना लेना चाहिए, इससे पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। ये स्टोरी है कालियासोत डैम और हमारे अनएक्सपेक्टेड प्लान की। तो आइए अपने अपने पॉपकॉर्न पकड़ लीजिए, शुरू करते हैं। क्या करना चाहते हो यहाँ पर आके, क्या दिखाना क्या चाहते हो? ऑल सेट, अभी हम निकल रहे हैं भोपाल के लिए। तो आज है 16 दिसंबर और आज हम लोग जा रहे हैं भोपाल अपनी भोपाल सीरीज़ का Day 4 शूट करने। हमने बीच में 4 दिन का गैप लिया कॉज थोड़ा बहुत काम था इस वजह से, बट अभी हम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज़ को। तो अभी लगाते हैं मैग्नम को फ़ोन और चलते हैं उसके घर उसको पिक करने, फिर आपको डायरेक्ट मिलते हैं भोपाल में। लेट्स गो। जय श्री राम। तो भाई साहब, भोपाल मेरी सिटी से 45 किलोमीटर दूर है और मुझे यहाँ से जाने में लगता है पूरा 1 घंटा। और इस पूरे 1 घंटे की जर्नी में हम दोनों बस एक दूसरे से यही क्वेश्चन पूछ रहे थे, भाई जाना कहाँ है? ऑलराइट, तो हम लोग हैं अभी कालियासोत डैम पे और यहाँ के व्यूज़ बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। इधर साइड पे पूरा डैम है और ये पूरा खाली है, बट ये ना बहुत ही सेक्सी लग रहा है, एपिक जगह पे। का है ब्रो, हम पता है आज बहुत रैंडमली आए यहाँ पर, हमें पता नहीं था। हमेशा रैंडमली आते हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही, हमने कोई रिसर्च नहीं करी कि हमें जाना कहाँ है, बस हम आ गए ऐसे ही मुँह उठा के। तो ये कालियासोत डैम जो है वो बना है कालियासोत रिवर के ऊपर। ये डैम बनाने का कारण है इरीगेशन, मीन्स फसलों को सींचना, और जो कि ये 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा भोपाल और रायसेन डिस्ट्रिक्ट के एग्रीकल्चर लैंड को हेल्प करता है। इस डैम की हाइट है अप्रॉक्स 34.25 मीटर और सबसे खतरनाक बात, इसमें बहुत भयानक मगरमच्छ हैं, बिल्कुल मेरे दोस्तों की तरह। ऐसा व्यू लगता है भाई इधर से, ऐसा व्यू। और बहुत सारे बड़े बड़े वाहन जा रहे हैं यहाँ से, तो आवाज़ आएगी, थोड़ा मैनेज कर लेना। जहाँ भी जाते हैं हमें डॉग्स मिल जाते हैं। अभी हम इस रोड से आए हैं और ये पूरा सही लगता है यहाँ से, काफ़ी बहुत गहरा है भाई, ये बहुत गहरा। बैकग्राउंड देखो, यहाँ से फेंक दूँ? बस भाई उसी की चाय हमारी। जय श्री राम हो जाएगा तेरा। ये तो निब्बियाँ ताड़ रहे हैं खड़े हो, आई कॉन्टेक्ट कर रहा है सबसे, मेरा अंकलों के साथ आई कॉन्टेक्ट हो रहा है। हे भगवान यार, ब्रिज पे खड़े होने में ना इतना डर लगता है, वो वाला सीन याद आ जाता है। कौन सी थी वो, फाइनल डेस्टिनेशन, उसके सीन से याद आ जाते हैं, इतना डर लगता है ना भाई साहब। और ये तो इतना गहरा है तो कैमरा बहुत टाइटली पकड़ना पड़ेगा मुझे। एग्जैक्टली इसकी डेप्थ नहीं पता मुझे, बट देखने में बहुत ज़्यादा गहरा लग रहा है और एक इल्यूजन टाइप क्रिएट हो रहा है यहाँ से देखने में, डर सा खौफ सा पैदा हो रहा है। ऑलरेडी शाम तो हो गई है, 5-6 बज चुकी है, तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर कर नहीं पाएंगे आज हम, बट स्टिल जितना हुआ आपको बता दिया जाएगा, तो बने रहें। और अभी यहाँ के हम कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं, आप देखिए, फिर मिलते हैं आपको कहीं अच्छी लोकेशन पे। अभी पता तो नहीं है हमें, हम कहाँ जाएंगे, बट जहाँ भी जाएंगे आग लगाएंगे। वो मुझे आज भी याद है वो सर्द की रातें, जब तू मेरा हाथ थामती कहती तुम कभी जाना नहीं। मुझे आज भी याद है वो तेरी बातें कि तेरे बिन मेरा कोई होगा नहीं। अब देखते हैं दूर से हम एक दूसरे को, एक दूसरे को हम यहाँ हेट दे रहे हैं। मेरे आंसू गिरे जमीन पे, यहाँ मेरी रूह चली, लोग हाथ सेकने लगे हैं। जितना चलूं मैं या संभल के, हाँ उतनी लोग शकुनी की जाले फेंकने लगे हैं। मैं डर के बैठा नहीं, मैं सीखूं इसी बात से, पता नहीं मुझे ये क्यों। Why the fuck you come to me, जब तुझे बस जाना था। Why the fuck you say you my home, जब तुझे अपना ही घर गिराना था। तो अभी हम थोड़ा सा आगे आए और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है गाइस, क्यों ब्रो मजा आ रहा है? बहुत सेक्सी, पर जहाँ भी जाओ निब्बी निब्बा तो दिख ही जाते हैं। व्यू बहुत प्यारा है यहाँ से और अभी मतलब बहुत मज़ा आ रहा है यार, मैं बता नहीं सकता, बयां नहीं कर सकता शब्दों में। पानी जो होता है ना एकदम स्टिल वाला, वैसा पानी यहाँ पर है अभी। और ये डैम का इस साइड है, अभी डैम के हम उस साइड पर थे तो पूरा सूखा था, इस साइड पूरा पानी है।
तो बड़ा मज़ा आ रहा है। हम दो एपिसोड से डैम ही डिस्कवर कर रहे हैं, लगे हैं भैया अपनी सेटिंग में भाई। तो अभी अपन चलते हैं वहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं कई सारे बाबे। लेट्स गो, देख लो ऐसा हाल होता है जब आपकी सेटिंग होती है। बंदा नहीं है, बंदी है वो। तो भैया आपको ये डैम वैम दिखाते दिखाते हमारा तो ओ डैम हो गया है, तो हम जा रहे हैं पेट पूजा करने सिटी चौपाटी। अगर आप आ रहे हैं तो सिटी चौपाटी पे अवध पधारे रहे हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है इधर का। तो जैसे कि आप सबको पता है कि खाना खाने के बाद बहुत जोर से नींद आती है, और एक अच्छी नींद लेने के लिए घर से अच्छी जगह और कोई नहीं है, तो आप समझ ही गए होंगे। पावे थक गए बहुत ज़्यादा। फाइनली हम लोग आ गए हैं सीवर, और आज हमने ज़्यादा कुछ कवर किया नहीं है, जितना भी किया है तो आपने देख ही लिया होगा। और इतना ही था भोपाल जो भी था, कुछ जगहें थी जहाँ हमको जाना था बट वो इतनी ज़्यादा स्पेशल नहीं थी तो हम ज़्यादा गए नहीं वहाँ पर। आज इस सीरीज़ को भी एंड करते हैं और इस व्लॉग को भी एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में या फिर किसी नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस। घुमा के अपने साइड भी पीस कर लो। पीस गाइस पीस, अभी घर पे पीस होगा हमारा। पीस पीस में होगा बेटा तब।